हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट विद आरएस। सो दोस्तों, आज मैं अडानी ग्रुप का आपके लिए एक ऐसा शेयर लेके आया हूँ जो 50% की करेक्शंस पे मिल रहा है, और दोस्तों इसका करंट प्राइस भी 355 की नियर अबाउट में चल रहा है। सो आपकी रेंज का स्टॉक है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक, और आगे जाके धमाल मचा सकता है। सबसे पहले इसके स्टॉक के चार्ट की बात करूंगा। अगर इसका आप हाई देखें तो दोस्तों इसका हाई जो 800 के ऊपर का जा चुका था, जो इसने लास्ट टाइम पे हाई बनाया था, मगर उसके बाद जो हिडन वर्क्स की रिपोर्ट आई और उसके बाद जो अडानी के शेयर नीचे गए, उसको तो आप सभी जानते हैं, मगर ये स्टॉक गिरने के बाद अब फिर से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा। बेसिकली आपने बाकी स्टॉक भी देखे होंगे अडानी ग्रुप के, कि सभी स्टॉक तकरीबन आपकी जो उनका जो सबसे डाउन प्राइस था उससे 50% ऊपर तक आ चुके हैं। और स्पेशली बात करें अडानी पावर की, वो तो अपने हाईएस्ट को कब का क्रॉस कर चुका है, 150 से 550 पे पहुंच चुका है। उसी तरीके से जे स्टॉक भी अब ऊपर जाने के लिए रेडी है। कैसा रहेगा स्टॉक का हाल, आगे पूरी बात करेंगे। चार्ट आप लोग को मैंने दिखा दिया, इसके बाद बात करेंगे कंपनी की मार्केट कैपेसिटी की। अगर मार्केट कैपेसिटी की बात करें फंडामेंटली एनालाइज करते हुए, तो दोस्तों जो इस कंपनी की मार्केट कैपेसिटी है 46,145, और स्टॉक का नाम भी बता दूं अडानी बिलमार लिमिटेड, इसका जो करंट प्राइस है 355 रुपये के नियर अबाउट पे चल रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर इसका हाई देखें तो 628 है, बेसिकली 800 के पहले जा चुका है, जे 52 वीक्स का हाई आ रहा है। इसी के साथ साथ अगर स्टॉक की पीई देखें तो 252 और इंडस्ट्री की पीई देखें तो 27, ये कह सकते हैं कि स्टॉक ओवर वैल्यू, मगर स्टॉक का प्राइस जिस रफ्तार से नीचे गया था उसके बाद जिस रफ्तार से अब ऊपर जा रहा है, तो उसके हिसाब से स्टॉक की पीई काफ़ी अच्छी हो सकती है। आरओसीई की बात करें तो 15 और आरओई की बात करें तो 7.41 की। दोस्तों इसी के साथ साथ अगर डेप्थ की बात करूं तो 0.48 की डेप्थ इस स्टॉक पे है, और उसी के साथ साथ अगर बात करें प्लेजर और परसेंट की, मतलब कि जो स्टॉक के प्लेजर्स पड़े हैं वो है 0%, मतलब कि कोई भी प्रमोटर की होल्डिंग का स्टॉक प्लेजर में नहीं पड़ा है। इसी के साथ साथ डिविडेंड की बात करूँ तो कंपनी से डिविडेंड फिलहाल नहीं दे रही है, और अगर फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू इस स्टॉक की 1 है, जिसका मतलब ये है कि स्टॉक के स्प्लिट होने का कोई भी चांस नहीं है। सॉरी, आगे बात करेंगे कंपनी पे टोटल डेप्थ कितनी है। दोस्तों 46,145 करोड़ की कंपनी है, और डेप्थ की बात करें टोटल डेप्थ तो 38,034 की डेप्थ इस स्टॉक पे चल रही है। रिटर्न ऑफ 3 मंथ की देखें तो 4.95, और प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर की देखें तो 8.22 के नियर अबाउट पे चल रही है। दोस्तों इसी के साथ साथ आगे बात करेंगे कंपनी की मार्केट डेप्थ की। आज की डेट में इस स्टॉक की जो मार्केट डेप्थ थी उसमें जो 40% की इसमें बाय हो रही थी और 59% की सेल हो रही थी। और आगे बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियली फंडामेंटल्स की, उसमें जो अगर रेवेन्यू की बात करूं तो दोस्तों अगर रेवेन्यू देखा जाए तो पिछले 4 साल से लगातार एक फिक्स ग्रोथ के साथ ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा, हालांकि 2023 में थोड़ा सा कम हुआ, मगर फिर भी ग्रोथ उसकी बनी हुई है। दोस्तों ऐसे स्टॉक होते हैं, मैं जब भी किसी स्टॉक को एनालाइज करता हूं तो मैं ये देखता हूं कि उसके जो रेवेन्यू है, उसकी जो नेटवर्थ था वो कैसी रही, और वो कैसी आगे अप डाउन के साथ तो नहीं जा रही है, एकदम फिक्स से जा रही है, वो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। उसी के साथ सर बात करें कंपनी की नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ पिछले 2 साल का तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है, जो पहले 3299 के नियर अबाउट पे था वो 2022 में 76 और 2023 में 8166 के नियर अबाउट पे जा चुका है। इसी के साथ साथ बात करूँगा प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट भी इस स्टॉक की पिछले 5 साल की बहुत ही बढ़िया कह सकते हैं, अप डाउन के साथ हल्की सी 2023 में कम हुई है, मगर फिर भी ये स्टॉक बढ़िया वैल्यू दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बात करेंगे कंपनी के प्रॉफिट की क्वार्टरली। दोस्तों अच्छी बातें मैंने कहा आपको सभी बता दी, मगर इस स्टॉक में कुछ बुरी बातें भी देखने वाली है। अगर मैं क्वार्टरली बहुत इस स्टॉक की बात करूं तो पिछले 4 क्वार्टर से इसकी जो प्रॉफिट है वो डाउन होती हुई दिखाई दे रही है, आपने 1 साल के चार्ट में भी देखा होगा। उसी के साथ साथ अगर आप क्वार्टरली भी देखें तो इसकी जो प्रॉफिट दिसंबर 2022 के क्वार्टर में आई थी उससे लगातार नीचे आती हुई दिखाई दे रही है, ये इस स्टॉक में थोड़ी सी चिंता करने की बात है। मगर अडानी समूह का स्टॉक है, हो सकता है ऊपर भी काफ़ी ऊपर तक जा सके, मगर कम भी हो सकता है, ये चीज़ भी देखें, अपनी मैनेजमेंट के हिसाब से इस स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। इसी के साथ शेयर होल्डर पैटर्न की बात करूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोस्तों 87.94% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, इतनी ज़्यादा होल्डिंग प्रमोटर के पास बहुत ही कम स्टॉक में दिखाई देती है। प्रॉफिट कम होने से जो FIIs की है उनकी होल्डिंग भी लास्ट क्वार्टर में कम हुई है, मगर DIIs की सेम चल रही है। इसी तरह अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें तो 11.36 की होल्डिंग पब्लिक सेक्टर के पास है। सो बढ़िया स्टॉक है, ऊपर भी जा सकता मगर उसके साथ साथ नीचे भी जा सकता, अपनी मैनेजमेंट अपनी
मैनेजमेंट के हिसाब से ही इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें। लास्ट में वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड खुद की सर्च जरूर करें। थैंक यू सो मच।